आज हमें झुमका बनाने जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का झुमका कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर पिक्चर को सेट कर दिया है। साइज हाइट है 17.75 mm और 22.20 mm जितना है लंबाई। तो टॉप व्यू में जाके पहले सर्कल ले लेंगे 22 mm का, ठीक है। सर्कल ले लिया, उसके हिसाब से नीचे ले लूंगा। यहाँ से फ्रंट व्यू में जाके फिर मूव करके नीचे ले लूंगा। नीचे ले लिया है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा कर्व का। फिर कर्व कमांड लेके झुमके का जो शेप, जो गोलाई वाला जैसे होता है उसका शेप लेंगे, बनाएंगे, जिससे इसका खल आएगा, ठीक है। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है डिजाइन। सिंपल सा डिजाइन है, दिखने में हार्ड लगता है लेकिन बनाने में थोड़ा सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। इस तरह से करना रहेगा। इसको मिरर मार दीजिए, ठीक है। इस तरह से मिरर करके ठीक करना है, कर्व को अच्छे से शेप के हिसाब से बना लीजिए। ठीक रिबिल्ड करना है। आपको नहीं लगता है कि ठीक नहीं हुआ, जब तक ठीक ऐसा ना लगे कि भाई अभी ओके नहीं है, तब तक आपको एकदम ठीक करना है। तो आपको लगे कि हाँ ओके है तो फिर आगे काम करना, ठीक। ऐसा कितना हाइट आ रहा है अभी, थोड़ा बढ़ाएंगे और यहाँ तक ले लेंगे। नीचे तो तक नीचे वो बॉल आएगा रवा, जिसको स्पेयर बोलते हैं, स्पेयर। ऑफसेट मारेंगे 2 mm का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। पत्ती ड्राइंग करना है अपने को, वाला पत्ती का शेप यहाँ से ड्राइंग करेंगे इस तरह से। यहाँ सेंटर में से कट करना है, दो अलग अलग पार्ट के, लेकिन यहाँ से साइड में से, ठीक। ध्यान रखना ये। इसको रिबिल्ड कर दिया है, इसको ठीक करना है कर्व को, जितना हो सके सेट के हिसाब से अच्छा बनाना है। ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। ठीक कर रहा हूँ, कर्व को अच्छा बनाएंगे, जितना हो सके अच्छा बनाओ, ड्राइंग अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। जी, अच्छा काम बनाना है तो हमेशा ड्राइंग में मेहनत करो, ड्राइंग अच्छा बनाओ, उसके बाद में फिर सरफेस में ध्यान दो। स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तब जाके काम अच्छा मिलता है। यहाँ पर क्रॉस वाला एक लाइन ऐसा है, ठीक है। तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये इतना हो गया है, यहाँ पर इतना समझ लेते हैं। वाला को ऐड करेंगे, इसको भी ऐड कर दो। ऐड हुआ, इसको भी ऐड कर, ठीक है। अभी पहले सरफेस में बना देते हैं इसके खाली, जो अपना जो गिनती था। यहाँ पर रेल रिवॉल्व कमांड आएगा, कमांड लिया, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सर्किल से लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाला कर्व को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंड पकड़ के फ्रंट व्यू में जाके नीचे क्लिक करना है तो आ जाएगा फिर, ठीक है। कलर चेंज करना है यहाँ से कलर, ठीक है। कर्व एक्सट्रूड करके फिर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक करना है इसका कितना ऑफसेट आ रहा है। अगर ज़्यादा आता है तो कम, 2 2 20 का है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि तो उसका जो यहाँ से गोलाई आ रही है इसके लिए हाइट बढ़ गया है, तो सीधा होता तो हाइट नहीं बढ़ता।
दो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीचे का दो पॉइंट होंगे थी। अब कितना ऐसे चेक करना, सीधा तो इतना ही हो गया, 2 10 है। अच्छा करना है वापस, चलेगा अभी थोड़ा बहुत तो, और नहीं चलाना है तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको थोड़ा नीचे से बढ़ा देंगे, नॉर्मल 0.7 इसको भी बढ़ा देंगे तो मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों पट्टी का ऑप्शन मान लेना, 0.6 का मार दिया है, इसके ऊपर स्टोन आएंगे, इसका काम तो हो गया। अभी आएगा जो अपने सर्कस में, इसको तो डायरेक्ट मार लेंगे, अभी इसका काम का एक ये रखना है। ठीक है, एक का इसको रोटेट कर देंगे, अच्छा रोटेट छोड़ ही दिया राइट व्यू में जाके। ठीक है, फिर सी प्लान कर दिया मैंने। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको सरफेस बनाएंगे जैसा उसमें दिखता है उसके हिसाब से। यहाँ पर कैसा दिखता है, ऐसा खांच है, एक इधर ऐसा, एक इधर बीच में उठता हुआ, यहाँ से आगे से गोल, तो अपने को भी उस टाइप से ही करना है, जैसा उसमें दिखता है वैसा ही करना है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है डिजाइन में, मैचिंग करना है। ठीक है, इसको रिबिल्ड मारिए 4 पॉइंट से, और पॉइंट ऊपर उठा दीजिए, क्या हो गया काम। इसको रिबिल्ड मारिए 6 पॉइंट, नहीं 7 पॉइंट से मारना पड़ेगा, तो 3, 1 पॉइंट छोड़ के 1 पॉइंट सेलेक्ट करके फिर 3 पॉइंट ऐसे ऊपर उठाओ, फिर 2 पॉइंट नीचे डाउन करो। अब इसको रिबिल्ड मारना है 7 14 पॉइंट कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से चल रही है। ठीक है, इस तरह से तो उठा के ठीक करना। ठीक है, ऐसा ठीक है, अब इसको शिफ्ट होल्ड कर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ऐसा वो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर इसके लेवल में वो भी होना चाहिए कल इसके लिए, तो इस तरह से आ जाएगा, जैसा उसमें शेप दिखता है वैसा आ जाएगा। मर्ज करना है यहाँ पर सरफेस में जाके, सरफेस एडिट में जाना है, फिर मर्ज, यहाँ पर अभी सरफेस में जाके सरफेस एडिट में जाके मर्ज करना, मर्ज में या राउंडनेस में 0.01 ले लेना, तब जाकर ठीक होगा, एडिट हो गया, नहीं तो फिर एक मर्ज हो जाएगा दूसरा नहीं हो रहा है इसके लिए। इसको लॉक करेंगे, जो कर्व है कर्व एक्सट्रूड कर दीजिए, 0.4 का हाइट दे दिया है, थोड़ा और एक्स्ट्रा देते हैं 0.6 दे देते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइंट मार देंगे, फिर ये डुप्लीकेट बॉर्डर निकालेंगे, यहाँ से एंड पकड़ के लाइन लेके पेच मार देना है, पेच मार दिया, फिर ज्वाइंट करो, फिर यहाँ से डुप्लीकेट बॉर्डर, फिर से पेच, फिर ज्वाइंट वापिस से, ये हो गया। देखो नेगेटिव एज चेंज करके यहाँ से एनालाइज एज टू शो एज, नेगेटिव एज पे रखना और जूम करके देखना, नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट है अपना चीज, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इस तरह से ये तो हो गया, तो नीचे लाना है यहाँ पर डिजाइन के ऊपर अपना को, यहाँ पर अच्छा मैंने रोटेट कर दिया था इसको, रोटेट करके फिर ऐसे देखिए, देखो अभी यहाँ पर ऐसा डिजाइन के ऊपर ऐसा मैच नहीं करेंगे, ठीक
जैसा डीएन के ऊपर है वैसा मैचिंग कर दो एक बार, उसके तो बाद में एरे मारेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कल के हिसाब से ऐसा क्रॉस कर देना है, राइट व्यू में काम कराओ। व्यू को हमेशा ध्यान रखना, कौन से व्यू में क्या काम करता हो, जितना वो आप ध्यान रखोगे ना उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फिर आप वो ध्यान नहीं दोगे कौन से व्यू में मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करना रहेगा आपको। अब इसके बाद में इसको थोड़ा यहाँ से अभी गोलाई में लेना पड़ेगा, गोलाई में नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसा रोटेट कर दीजिए, टॉप व्यू में जाकर ऐसा रोटेट 2D करना है। अभी गोलाई में नहीं आ रहा तो पेज एडिट करेंगे, बाउंड्री बॉक्स लेंगे, पेज एडिट कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स लीजिए, फिर यहाँ पर जो है वही रखिए, एंटर एंटर करते जाना है तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा ऐसा दबा देंगे इसको अंदर से, इसको खाली के हिसाब से दबा देंगे। ठीक है, अच्छा ओके, इस तरह से करना रहेगा, ये चीज हो गया। अभी यहाँ पर मारेंगे अपने एरे, यहाँ से इधर आता है, सॉरी यहाँ से नहीं जाना तो ऊपर से लेना, इधर एरे पॉलर में दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, लिस्ट लिस्ट में से नहीं आ रहा तो 18। ठीक है, अभी देख लेना यहाँ पर मैं सिंगल की सही है। अगर ये आपको डिजाइन थोड़ा सा लगे कि कम है, आगे तक लेना है, तो फिर वापस वो अपने पास टॉप पड़े हो ना, टॉप नहीं है, ये रहे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ऐसा कुछ होता है ना बाई चांस, तो यहाँ पर ऐसा करके, अभी मैंने यहाँ टॉप बनाया इसकी जगह यहाँ बनाना पड़ेगा अभी, तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से अब सही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ज्यादा ऐसा हो रहा है तो थोड़ा दूर करके बना दीजिए इसको से, वो तो अभी सही नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्पष्ट आएगा, ठीक है, इस तरह से कर देना है। जो कुछ प्रॉब्लम होता है इस तरह से आप चेंज करके भी कर सकते हो, फिर से 0.6 0.6 ज्वाइंट, तो शेप को अच्छे से मेंटेन करोगे ना तो भी अच्छा रहेगा वो आपका। ठीक है, अच्छे से देखना है उसको, पेच ज्वाइंट डुप्लीकेट बॉर्डर पेज ज्वाइंट, बस यही सिस्टम है। यहाँ से रोटेट 3D, फिर मैं इसको यहाँ से लेके आऊँगा सरफेस के ऊपर, इसको लॉक कर दूंगा, मेरा नीचे लेके आऊँगा, फिर यहाँ पर रखें। फिर यहाँ पर नीचे आऊंगा, ठीक है, अपने रोटेट किया मैंने, फिर बाद में हल्के हिसाब से ऐसे रोटेट करेंगे राइट व्यू में, ठीक है, थोड़ा हल्का समय थोड़ा आगे रोटेट करूँगा,
अभी मैं इसको वापस से पेज एडिट करूंगा। करके दबा दूंगा इसको मैं अंदर, फिर इसको एयरफॉलर मारेंगे, जितना मारा था उसमें उतना ही। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना रहेगा, फोटो देखना रहेगा आपको, कि फोटो में क्या सिस्टम था, तो कितना गैप है यहाँ से, इतना गैप है। ठीक है, गैप बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। अभी तो इसको फाइनलाइज कर देते हैं, ये दोगा तो पहले कॉपी करके अंदर रख देंगे कटिंग करने से पहले, नहीं तो फिर बाद में क्या, कटिंग करने के बाद में इसको वापस से अगर अपने को चाहिए होगा ओरिजिनल पीस तो कहाँ से लाएंगे, इसे अच्छा पहले से कॉपी करके लेयर में रख दीजिए, लेयर में पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से अपने फिर से ले सकते हैं अगर बाई चांस अपने को जरूरत पड़ती है इस चीज़ की फिर से। ठीक है, यहाँ से नीचे से उसको अभी थोड़ा डिफरेंस कटिंग हो गया, अभी एरे मारेंगे, ये तो काट दिया, इसको भी आगे से काटेंगे। अभी यहाँ से क्या करना है, ये वाला पीस थोड़ा उठाना पड़ेगा, बाहर की तरफ, और यहाँ से थोड़ा दबाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर में तो मैं सरफेस कॉपी नहीं हो पाया, अभी हो गया है। यहाँ से अनट्रिम करके फिर उसके बाद में उसको ऐसे करना, सरफेस एक्सटेंड, सरफेस एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ से कटिंग कर देंगे, ओके कट मार के फिर बुलेन डिफरेंस, ये हो गया, ऐसे ये हो गया परफेक्ट। दो दो चीज अपने ओके, ठीक है, यहाँ से ये दो चीज अपने ओके हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये वाला स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला पोर्शन में क्या चीज है वो देखना है, ऐसा क्रॉस क्रॉस है ना, तो अपने यहाँ से कव लिया था एक, ऐसा इसको ऑप्शन मार देना है, 0.4, 0.35, 0.3 ज्यादा हो रहा है तो 0.3 ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर देंगे और बाकी का जो है प्रोवाइड कर देंगे। अब ऐसा आ गया है, ऊपर कटिंग है, कटिंग में कितना कटिंग है वो डिजाइन वो भी देखना है यहाँ से। ठीक है, अच्छा काट दीजिए ऐसे तो थोड़ा ऊपर, लगा लेंगे यहाँ से ट्रेन। ठीक है, अभी इसको डिलीट मार दीजिए पिक्चर वाले को, अपना तो खाली यही इसका ही एरे मारेंगे, 10 का मारा। अभी यहाँ पर देखना एक चीज क्रॉस हो रही है, ऐसे ऊपर क्रॉस हो रही है नीचे भी क्रॉस हो रही है, तो उसके हिसाब से ही करना है। 10 का मारा तो 10 का तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, ऊपर टच हो गया है, इसको थोड़ा यहाँ से इस लाइन लेके इसका मिड पकड़, मिड सेंटर पकड़ के यहाँ पर ले लेंगे, तो फिर डायरेक्ट मारेंगे।
यहाँ पर पूल का करेंगे। ठीक है, पुल कर दिया मैंने, तो ऑप्शन ऑन सर्फेस माना, पॉइंट थ्री मारा तो 0.35, अगर कम मारा तो कम माना, 0.3 मारा था, 0.3। अब यहाँ पर हो रहा है क्रॉस, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें नीचे हो रहा था। ये चीज हो रही है, ठीक है, वापस से फोटो देखिए उसमें क्या है। ठीक है, इधर क्रॉस ऐसा बॉक्स जैसा चौकी टाइप का, इधर रवा रवा है, क्रॉस नहीं हो रहा है, बॉक्स जैसा। घुमा देंगे फिर, 0.6 उसके पूरी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है, यहाँ पर वापस लेके आएंगे इसको, वापस स्केल यहाँ पर थ्री करना पड़ेगा, अगर चल थ्री कर दीजिए। ओके हो गया है, पेस्ट मारेंगे यहाँ पर, ऑफसेट का ऑफसेट ऑन सरफेस 0.65 ले लेते हैं। ठीक है, फुल कर दिया मैंने, रे मारेंगे 12 का, 12 में मारा तो इधर कैसा आ रहा है, थोड़ा गैप है, टच नहीं है, 10 का परफेक्ट। ठीक है, मैंने कट कर दिया है, अब यहाँ पर आपको अनट्रिम करना रहेगा, इसके हिसाब से इधर कट होगा ये। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, अब आपको देखना है यहाँ पर, इधर ठीक है, कट कर दूंगी, और यहाँ से भी थोड़ा कट, 0.5 का सर खड्डा कर देंगे, 0.5 का, और 0.4 का ऑफसेट मारेंगे सॉलिड, 0.4 नहीं मारेंगे तो चले ऊपर पाइप बनेगा ना, तो हल्का सा पतला रखना है, तो 0.15 का रखते हैं फिलहाल, फिर बाद में ऐसा दुख पड़ी तो बढ़ा देंगे या निकाल देंगे। ठीक है, बस तो यहाँ पर ऑफसेट, ओके .65/2, ठीक है, अभी यहाँ पर बॉल ले लेते हैं, 0.65 एंड 0.6 का बिठाना है, एरे मार दीजिए, एरे लॉन्ग का 6 पीस या 5 पीस, 5 पीस मारना है तो 5 मार, नहीं अभी का ऑप्शन चेंज हो गया, एरे नंबर 5, ओके फिर 5, ओके है, नॉर्मल सा गया, पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ से थोड़ा उतार देना, आगे जाके बाहर निकल रहा है,
बस ये भी ठीक हो रहा है, इधर भी थोड़ा साथ देना है। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा फिलेट कॉर्नर मारेंगे, 0.25 का। ठीक राइट व्यू में जाके थोड़ा ऐसे अप कर देंगे, मूव कमांड से बाहर निकाल देंगे तो अच्छा दिखे रहा। यहाँ पर ऐसा है बीच में, किस तरह से रखना है अभी। यहाँ पर फोटो देख रहे हैं तो क्या सिस्टम, यहाँ पर बड़ा रहा है, ऊपर भी बड़ा, हाथी बॉल है। ठीक यहाँ पर भी बड़ा बॉल है। ठीक है, ठीक है। नीचे थोड़ा टच करने के लिए क्या है, मैंने थोड़ा ऊपर से ले लिया है अभी, इसको थोड़ा ऊपर उठा दूंगा अभी फिलहाल तो। ऐसा नहीं करना है, इस चीज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे टच बराबर नहीं हो रहा है और साइड में भी टच नहीं हो रहा, चलेगा थोड़ा अभी बड़ा। एल सी डी करके बड़ा कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़ा करोगे तो नंग वाला पार्ट नहीं, वजन थोड़ा बढ़ जाता है क्या, मतलब एल सी डी में ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे वाला सर्विस यहाँ से कॉपी करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, नीचे से कटिंग करना है, एक्स्ट्रा हाइट होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे अंदर हाइट से ज़्यादा। ठीक है, मार दीजिए, अरे अभी देखना है उधर। ठीक है, एक छोटा है बॉल थोड़ा, उसमें फोटो में, रियल फोटो में थोड़ा छोटा है, उसमें अपने बड़ा हो रहा है। सब अपने को भी छोटा ही करना है यहाँ पर, स्केल थ्री कर देना है ऐसे, और कर दीजिए ऐसे एकदम थोड़ा। सपोर्ट मार दे, ऐसा तो कर देंगे टच। ठीक है, बराबर थोड़ा और करना है तो और कर, ऐसा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें फोटो में। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सर्विस लिया, अनट्रिम किया, यहाँ से एक कव ले लेंगे ऐसा। अभी उस कव का क्या, पाइप बना देंगे 0.6। ठीक है, सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट लगाने के लिए रखा है पाइप। ठीक है, बीच ओरिजिनल में कैसा दिखता है, बड़ा है निकाल देंगे इसको, बड़ा है तो फिर बड़ा थोड़ा। इसमें सब क्या चीज़ों को ध्यान से देखकर करना पड़ेगा आपको काम।
यहाँ से डिलीट हो गया मेरे, ये रखना ये वाला, मैंने फिर से अनलॉक किया सब डिलीट मार दिया, अभी से बीच में आ रहा था तो सब मैंने डिलीट मार दिया, प्रॉब्लम कर रहा था ये, बस अब ज़्यादा इसको स्केल करने की जरूरत नहीं है, मार दीजिए मेरे। ठीक है यहाँ से ऐसा तो ऐसा एक सपोर्ट इधर से हो, ऐसा सपोर्ट इधर से हो, यहाँ से स्केल स्केल ऑनली करना है, स्केल नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो हो जाएगा अगर चेक करेंगे तो, पर अभी स्केल फिक्स करो, अभी सही हो रहा है, उस टाइम नहीं हुआ था तो मैंने तो एक्सटेंड कर करके उसको तो बड़ा ही कर दिया, फिर से बाहर नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा बार नहीं देखना चाहिए, तो से भी ज्यादा ऐसे बार ठीक करके दबा देंगे ऐसा, मार दीजिए, ये हो गया, नीचे सपोर्ट नहीं है तो मार दे, इस बार तो क्या ठीक से ले दो मैं, यहाँ से उसका भी है और गया, ठीक है इसको थोड़ा सिलेक्ट कर देंगे ऐसा, यहाँ से एक सिंगल कॉल ले लूँगा, थोड़ा ऑफसेट मार लूँगा, मैंने खड्डा मार तो उसको 0.25 का खादा, 0.6, 0.24, 0.7, 0.4, बस इसको से अरे मारेंगे बाहर 20, फिर मारेंगे 50, अरे मारेंगे 40, अरे मारेंगे 36, पॉइंट 7.5, 0.35, हो गया ठीक है इसको से, ठीक है इसको भी डिलीट मार दीजिए, यहाँ पर एक रवा फिफ्टी हिसाब से ले लीजिए, मानेंगे 50 आ गया, होटल में थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है, मेरे मानेंगे 54, ठीक है अभी यहाँ से ठीक
ठीक है, इसको इस सर पे चला गया। अभी मैं वाला मैंने ऊपर वाला सर्फेस कॉपी किया, अनट्रिम कर दूंगा इसको। इसको अनट्रिम नहीं करेंगे तो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा सर्फेस को, इसको अनट्रिम कर दूंगा ताकि यहाँ पर मैं ऐसा ले सकूँ। तो बस जहाँ पर इसको गलाई बस ये हो गया। इसके बाद में इसको तो ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे, 0.65 जितना कर दिया चलेगा। ओके तो प्रॉब्लम मैचिंग हो गया। सब हो गया यहाँ तक तो होने चाहिए। अगर ये नहीं दिखाना है तो उसको कटिंग करना पड़ेगा, आपको लगेगा तो चलेगा। अब नीचे अपना कोई मतलब नहीं है तो रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 0.6 ऑफसेट, 0.6 2। अभी यहाँ पर स्टोन बिठाना है, प्रोजेक्ट करना है, इसको रखना, बाकी सब डिलीट। ये वाला बिठाएंगे सब, कैंसिल कर दीजिए। पॉइंट चालू रखना, और तो चालू। यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबा दिया था तो और तो आ जाता है, शिफ्ट नहीं दबाओगे तो नहीं आएगा। ये छोटा पोटा स्टोन बड़ा ले लीजिए, और तो चालू रखना है। नेक्स्ट सेक्शन ऑन कॉपी, यस। ये भी छोटा पड़ रहा है, अभी यहाँ पर स्केल 3D कर देंगे इसको पॉइंट पकड़ के, बस अब बराबर है। तो अभी रहने लीजिए, यहाँ से वापस इधर इधर बैठाना है। एरे मारेंगे 20 का, एरे मारेंगे 44 का, मार ज़्यादा हो रहा है, 40 का ज़्यादा हो रहा है, 38 का ज़्यादा हो रहा है, 36 का ज़्यादा हो रहा है, 34 का कंप्लीट, 34 ही मारना है इधर भी। अगर कम लगता है तो 38 4 बढ़ा दिया, कम लग रहा है, 40 कंप्लीट। ठीक है, रॉन्ग लेगा उधर बिठा देंगे, इसके से बिठा देंगे यहाँ पर, फिर ऊपर बिठा देंगे, इसके से यहाँ पर भी बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने नीचे मारा 40, अरे 40 आ गया, ऊपर मारा है अरे बोलो जी, ये आंसर 32 सॉरी 34 आ गया। पॉइंट को अनग्रुप कर देना है, पॉइंट को डिलीट मार के अनग्रुप सरफेस सेलेक्ट करना, सरफेस नहीं है बॉल है, वो तो चलेगा, दूसरा सरफेस नहीं होना चाहिए वो एक्स्ट्रा। बॉल भी सरफेस में ही आता है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो सरफेस सेलेक्ट किया हुआ आपने। ठीक बुलियन डिफरेंस कर देंगे इसको भी, ऐसा काट देंगे, खड्डा करेगा, ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये आपका हो रहा है यहाँ पर। अभी लास्ट एक दो काम रहा है,
एक बॉल यहाँ पता लगेगा बड़ा वाला, फोटो में उससे अच्छा। काट दीजिए मानना है 36, 37 एक मार दिया चलेगा, 38 में हो रहा है, सही हो गया। इंडियन सब विकेट मार लो, नहीं चाहिए तो भाई यहाँ पर एक कड़ी डालेंगे ऊपर एंड पकड़, एक साइड का होल ऑफसेट मारेंगे, एक 10 का ऑफसेट 12x2, एक 10 का ज्यादा होता है, 1 mm बराबर है, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा बोथ साइड 0.5, फ्लैट कॉर्नर 0.33 हो गया। इसको भी ऐसे रोटेट कर देंगे सीधा, इस तरह से करना रहेगा। ये हो गया आपका झुमका रेडी। अब यहाँ से फिर रेंटरिंग कर देंगे, ये मैंने रेंटिंग कर दिया है इस तरह से, आप देख लीजिए इधर मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको झुमका बनाना रहेगा।